नहीं ऐसा नहीं होता. देर आर लॉट ऑफ एक्टर्स, आई मीन इवन इन एन एक्टर्स लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो हिट फिल्में देखें, और अगर उनकी कोई फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो ऑब्वियसली दे हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस. I've got a very exciting film coming out on the 19th of September. It's called Ikkis Topo Ki Salami, and I look forward to it. Thank you. Yes.
successful, man. It's unique. That's the first. It took them so long to figure that out. But it's great. I think they're celebrating beauty, which is great. And I think it talks about a lot of aspects, and not just visually how you look. For me, it's inner beauty, how people are. Good people are beautiful for me. So let's see. It's a great night. It's a great initiative. And I'm excited to be here. It's stylish and cool being in Vogue, and all thanks to them, they're styling me today. And looking forward to seeing more stylish people, well-dressed people, and a fun evening. Ek mahila ki khoobsurti, jaisa maine kaha ki I think inner beauty zyada mere liye important hai ki wo kis kisam ki ladki hai, kis kisam ki baatein karti hai, kya thoughts hai. Kyun first se bas aa jata hai instinct karke, wo kya hota hai instinct. किस चीज़ से मैं अट्रैक्ट होता हूँ, मुझे लड़कियों के बाल बहुत पसंद है. आई थिंक जिन लड़कियों के खुले बाल मुझे अट्रैक्ट. फैशन आई थिंक जो चीज़ आपको कंफर्टेबल लगे, आपको पता होना चाहिए आपकी बॉडी टाइप कैसी है, जो आपको कूल लगे, हर किसी का एक इंडिविजुअल थॉट होना चाहिए. सो या आई थिंक सिंपल एंड इंडिविजुअलिस्टिक, आई थिंक यूनिक. हाँ यार, मैंने क्रिकेट जिस बार बोलूँ, मैं क्रिकेट अभी फॉलो नहीं कर रहा था, आजकल शूटिंग कर रहा था, तो मैंने क्रिकेट फॉलो नहीं किया. क्या क्या किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, अगर इसे टीम एफर्ट, अगर फिल्म हिट होती है तो पूरी टीम का है, और फ्लॉप होती है तो फिर पूरा यूनानिमस एक टीम की है, अनसक्सेसफुल. ऐसा बिल्कुल नहीं है. आई थिंक अगर पिक्चर सक्सेसफुल है तो पूरी टीम है, कोई भी एक्टर नहीं बोलेगा कि उसकी पिक्चर सिर्फ उसी के वजह से चली है. वाह, आई थिंक यू आर 3 इयर्स लेट. ए द रीजन बिहाइंड दी, अगर आपने 3 साल पहले पूछा होता तो अच्छा रिलेवेंट क्वेश्चन होता. वो उनसे पूछ लीजिए, मैं भूल गया उनका आंसर क्या था. हाँ क्या कौन एजाज खान कौन है. ओ अच्छा, एक नंबर. हाँ हम लोग गए थे वहाँ पे, करे करे करे. अरे वो बेस्ट लक टू हिम यार, उसको लगे. हाँ क्या बोला उन्होंने. हाँ अरे वाह, उनको बोला एक विलन देख. हाँ थैंक यू. दैट विल बी नेक्स्ट ईयर. अभी मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, गेनिंग सम वेट. बहुत मुश्किल हुई उनको मुझे ये फिट करने में कपड़े, थोड़ा मेरा साइज बढ़ गया है अभी, नॉट परफेक्ट. आई एम बिकमिंग लिटिल बिट लाइक अ फाइटर, लाइक अ वॉरियर. तो नेक्स्ट ईयर आई एम गोना स्टार्ट शूटिंग फॉर दैट फिल्म वेरी सून, एंड वी आर गुड फॉर. माय लुक्स आई थिंक ब्रॉड शोल्डर्स, आई डोंट नो, आई थिंक मेरे को, मैं इतना ध्यान दिया था, आई डोंट फील कि ऐसा विजुअली दिखना इंपॉर्टेंट है. आई थिंक द कॉन्वर्सेशन दैट यू मेक मेक्स यू ब्यूटिफुल और नॉट ब्यूटिफुल. राइट, सुपर, थैंक यू गाइस. Well, I think a lot of people know I've had a baby, and
It takes time when you're pregnant and the baby has to grow up, and then you have to jump on the wagon again. Yes. How does it feel? I feel pretty good, and I think it's sweet. I'm a middle-aged mom, and so it's extremely flattering to get it now. What are you wearing? I'm wearing a DVF dress, and my mom got me this bag, so that's it. Thank you. What is your beauty tip that you would like to give? Any beauty tip since you want to hang this in the world? I think after a certain age, beauty is as much about your spirit as it is about your bone structure. So if you're a good person, then it shows on your face. After 35, whatever you are, you get the face you deserve. So be a good person, you might look slightly better as you age. Thank you.